हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी तैयारी को भी शुरू रख रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी IBO 1 का Block 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एक नए ब्लॉक के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका पहला चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो अगर आप में से किसी ने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी आपने अपने BCom में अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा ही होगा, लेकिन हम आज पहले ये समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो आया उसकी क्या वजह थी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इंडियन इकोनॉमी में एक मेजर क्राइसिस आ गई थी 1991 में, और उस टाइम पे हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो क्या हो गया था, डाउनफॉल हो गया था उसका बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से कंट्री को फाइनेंशियल क्राइसिस झेलनी पड़ गई थी। ठीक, अब उस टाइम में कंट्री को बूस्टअप करने के लिए, कंट्री को फिर से ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ा, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जिसका नाम था LPG। अब आप ये मत कहिएगा मैम सिलेंडर की क्या ज़रूरत पड़ गई, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की क्या ज़रूरत पड़ गई, LPG का फुल फॉर्म ये नहीं है यहाँ पे। LPG हेयर स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इसको हम क्या कह सकते हैं, हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था, एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए उस टाइम पे, ताकि हम अपनी कंट्री को दोबारा बूस्टअप कर सके, दोबारा हमारी जो कंट्री में इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया था उसको हम कंपनसेट कर पाए। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था कि जितनी भी कंट्रीज थी वो क्या करती थी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह काम करती थी। ठीक है, ट्रेड नहीं करती थी बहुत ज़्यादा, या जो भी ट्रेड करती हुई थी तो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड रहते थे वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहते थे। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेड होता था, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज के साथ होता था या कुछ रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड बैरियर्स के साथ होता था। ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आने के बाद कंट्रीज को लगा कि अगर वो अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखेंगी तो उनकी कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी और फॉरेन कॉम्पिटिशन कभी भी नहीं झेल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपनी कंट्रीज को बचाने के लिए और अपनी कंट्री को एक तरह से ग्रोथ देने के लिए क्या, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ा। ठीक, अर्लियर कंट्रीज वर कन्फाइंड टू इट्स नेशनल टेरिटरी ओनली एंड रिस्ट्रिक्टेड टू क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग। नाउ द सिनेरियो हैज चेंज इंटायरली एज ओपन इकोनॉमी एंड रिलैक्सेशन इन ट्रेड बैरियर्स हैव लेट द फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, गुड्स, सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज अक्रॉस नेशंस। ठीक है, तो हमने अपनी इकोनॉमी को क्या किया, ओपन किया, और जो हमारे ट्रेड बैरियर्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया। ठीक है, रिबेट दी, उनको कम किया ताकि जो ट्रेड है वो इजिली हो सके। दिस इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज इन टू एन इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू एक्सचेंज ऑफ ट्रेड FDI एंड फ्लो ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, आखिर ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, कल्चर्स एंड पॉपुलेशन ब्रॉट अबाउट बाय क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड इंफॉर्मेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, दे आर इंटरडिपेंडेंट नाउ। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री हर प्रोडक्ट को चीप रेट पे बना पाए, है ना? तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ गई, हमें ट्रेड करने ज़रूरत पड़ गई, और इस वजह से क्या हुआ कि कई कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हो गई। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है, लोकल के लिए वोकल बनिए। क्यों? क्योंकि देखिए, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे फॉरेन के गुड्स के ऊपर, फॉरेन की सर्विसेज के ऊपर, और हमें कहीं ना कहीं वो अच्छा भी लगता था। क्यों? क्योंकि देखिए, वो हमारी कंट्री की कंपैरिजन में काफ़ी चीप भी थे, उनकी जो क्वालिटी है वो भी ज़्यादा अच्छी थी, है ना? लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, हम अपनी कंट्री में इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा करने लग गए और हमारा BOP बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चला गया, है ना? तो अपनी कंट्री को बचाने के लिए और अपनी कंट्री की इकॉनमी को बचाने के लिए हमको फिर से लोकल प्रोडक्ट्स को ही लेना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इस टाइम पे भी
जो कि आपको पता है बहुत ही अजीब सिचुएशन चल रही है सब जगह पे, तो यहाँ पे आपका लोकल नहीं दिया है साथ, इसीलिए मोदी जी भी कह रहे हैं लोकल के लिए बनिए वोकल। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एक दिन मैं न्यूज़ देख रही थी, उसमें दिखा रहे थे कि इंडिया 90% टॉयज चाइना से इम्पोर्ट करता है। आप सोच रहे हैं चाइना ने कितनी बड़ी मार्केट इंडिया में ऑक्यूपाई कर रखी है, 90%, मतलब हम 90% जो टॉयज मार्केट है वो इम्पोर्ट करती है। ठीक है, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। ठीक, तो इसी सब को देखते हुए बोला जा रहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ सफिशिएंट बनिए, और मैक्सिमम चीज़ों का प्रोडक्शन अब इंडिया में होगा, और अपने जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को ही अपनाइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल इकोनॉमी इज वन वेयर फर्म्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट ट्रांसनेशनली। अब ट्रांसनेशनली का क्या मतलब होता है? बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, मतलब नेशनल बाउंड्रीज के बाहर, आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके बाहर। ठीक है, और मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हूँ, मैंने वही बोला जो मुझे सही लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ व्हाई इज ग्लोबलाइजेशन नेसेसरी, ग्लोबलाइजेशन क्यों जरूरी है, अब ये समझते हैं। ठीक है, अब आपको लगता है जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से हम इम्पोर्ट से ज़्यादा करने लगे। ट्रेड का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ इम्पोर्ट्स, ठीक, ट्रेड का क्या मतलब होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही चीज़। ठीक, तो हम इसको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से लेते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, बिल्ड्स एन अवेयरनेस ऑफ अदर कल्चर्स। ठीक, अगर आप ग्लोबलाइजेशन में नहीं पार्ट लिए या आपकी कंट्री ग्लोबलाइज नहीं है, वो दूसरी कंट्रीज से ट्रेड नहीं कर रही है, तो आप कभी भी अवेयर नहीं हो पाओगे फॉरेन कल्चर से या बाहर के कल्चर से या दूसरी जगह के कल्चर से, कि वहाँ पे क्या क्या कल्चर है, लोग कैसे, लोग क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, लोगों का ड्रेसिंग सेंस क्या है। ठीक है, जब तक आप वहाँ की मार्केट भी नहीं जानेंगे तब तक आप वहाँ के लिए ना प्रोडक्ट्स बना पाएंगे ना उनको अच्छी सर्विस अवेल करा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बिकम नॉलेजेबल अबाउट द वर्ल्ड। जब आप फॉरेन कंट्री से ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, राइट, मेक्स कनेक्शन विद अदर कल्चर्स। जब हम कल्चर के बारे में अवेयर होंगे तो हम उनसे कनेक्शंस भी इजीली बिल्डअप कर लेंगे। ठीक, एबल टू कम्युनिकेट इन अदर लैंग्वेजेस। अब जैसे इंडिया में कई फॉरेन कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी यूनिट स्टैब्लिश कर रखी है। ठीक है, अब वहाँ जो फॉरेन के जो आप कह सकते हो मैनेजर्स हैं, ठीक, वो इंडिया आते ही होंगे अपनी प्रोडक्ट्स देखने के लिए, अपनी यूनिट को देखने के लिए, राइट, तो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए वही बंदा चाहिए, वही इंसान चाहिए जो कि उनकी लैंग्वेज उनसे बात कर सके, है ना। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर इंसान उस लैंग्वेज को जानता हो या फेमिलियर हो। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, एक प्रॉपर ट्रांसलेटर को हायर किया जाता है जो ट्रांसलेट करके लोगों को समझाता है। ठीक है, तो इससे क्या बढ़ेगा, ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम ग्लोबलाइज ना होते तो हम अदर लैंग्वेजेस भी कभी नहीं सीख पाते। ठीक है, बिकम इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव अबाउट द डिसीजंस एंड प्रॉब्लम्स दैट इम्पैक्ट द ग्लोबल कम्युनिटी। और जब हम ग्लोबल मार्केट से जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो हमें वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो और वहाँ जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनकी भी क्या होगी, पूरी नॉलेज होगी। ठीक है, जैसे कि ऐसे कई ढेर सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर इंडिया जो गवर्न करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका WHO है, ठीक, इंडिया भी उसका एक पार्ट है, इंडिया भी उसका एक मेंबर है ना। अगर हम कभी भी उसके साथ इन्वॉल्व ना होते तो हमें भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं, डिसीजंस जो वो ले रहा है या क्या प्रॉब्लम्स आ रही कंट्री में हमें कभी भी नहीं पता चल पाती, हम कभी अवेयर नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन क्या है, ज़रूरी है। ठीक, नाउ मेजर फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मेजर कौन से फोर्सेज हैं जो ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए आपकी बुक में ये कुछ तीन फोर्सेस दिए हुए थे, डैट इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज एंड ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेकिन मैंने ये एक चार्ट दिया आपको जिसमें आप देख रहे हैं कुछ चार पॉइंट्स हैं और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब अगर आप चाहें तो इनको खुद इलेबोरेट करके लिख भी सकते हैं बहुत ही ईजिली। देखिए, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, रिडक्शन इन क्रॉस बॉर्डर बैरियर्स, इंक्रीज इन कंज्यूमर्स डिमांड एंड हाई कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी हेडिंग्स हैं, आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं और अपने आंसर को काफ़ी अच्छा इलाबरेट भी कर सकते हैं और
मतलब और लोगों से अच्छा भी लगेगा, अलग लगेगा कुछ कि आपने कुछ अलग भी लिखा है। ठीक है, तो पहला टॉपिक समझते हैं या पहली हेडिंग समझते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, कि इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन का क्या रिलेशनशिप है। इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन लिंक्ड है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता तो हमारी इकोनॉमी कभी भी ग्लोबल इकोनॉमी नहीं हो पाती है ना, क्योंकि अगर हम एक क्लोज इकोनॉमी के अंदर काम करते तो कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाते, और अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाते तो कभी भी हम ग्लोबल नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये टू वे प्रोसेस है, दोनों तरफ से चलता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट शेयर इन जीडीपी इन डिफरेंट कंट्रीज। तो जीडीपी में इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत मेजर रोल है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट शेयर है इंटरनेशनल ट्रेड का। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही हैं ताकि वो अपनी होम कंट्री को बढ़ा सकें, बूस्टअप कर सके, उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सके, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? इंटरनेशनल ट्रेड की। ठीक, अब इंटरनेशनल ट्रेड किसी सेक्टर्स में ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आईसीटी सेक्टर हो गया। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है हमारी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने में, किसमें? ट्रांसपोर्ट और आईसीटी सेक्टर्स। दस इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस ड्यू टू प्रॉफिट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन नोन मार्केट्स, बिजनेस एक्सपेंशन एक्सेट्रा। देखिए, कई बार ऐसा होता था कि बिजनेस जो है वो किसी एक मार्केट पर डिपेंड हो जाते थे, और वो मार्केट क्या करती थी, अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती थी। ठीक है, तो इस वजह से बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, लेकिन जब से इंटरनेशनल ट्रेड आया, जब से इंटरनेशनल मार्केट में हमको प्लेस मिला और हम ग्लोबलाइज हुए, तो बिजनेस फॉर्म्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं है और अपने बिजनेस को इजीली एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, द इंक्रीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ओवर द ईयर्स हैज बीन अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज अराइजिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकॉनमी सच एज ट्रेड, जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्रीज डैट आर नाउ सो इंटरकनेक्टेड। द क्रिएशन ऑफ WTO इन 1995 इज अनदर स्टेप टूवर्ड्स क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो 1995 में WTO बनाया गया, दैट इज योर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे ट्रेड देखता है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, वो क्या मॉनिटर करता है? बेसिकली कैसे ट्रेड हो रहे हैं, जो कंट्रीज हैं उनके बीच में कोई बैरियर्स तो नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं हो रहे, इन सब का कौन ध्यान रखता है? हमारा WTO। ठीक है, तो WTO भी इसलिए बनाया गया ताकि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके और इजिली गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा सके। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज। जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं FDI और FPI के बारे में, डेट इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्या ये पॉसिबल होते बिना ग्लोबलाइजेशन के? नहीं होते, है ना। तो इनका कितना बड़ा रोल है हमारे ट्रेड में। ठीक है, बिना FDI के या बिना FPI के, बिना फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन के कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता था, और कंट्री कभी भी ग्लोबलाइज नहीं होती और कभी भी ये ग्लोबल इकोनॉमी नहीं बन पाती। ठीक है, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो हैव ग्रोन सब्सटैंशली ओवर द ईयर्स। इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन फॉलोड बाय अ सर्ज इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन। द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल फर्दर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं? डी रेगुलेटेड एंड ग्लोबली लिंक्ड न्यू फाइनेंशियल मार्केट्स, एक्सपेंशन इन द एक्टिविटीज ऑफ TNCs, डेट इज ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन बेसिकली वो कॉरपोरेशन होते हैं जिनका सेटअप एक कंट्री से ज्यादा में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी हो गई मैकडोनल्ड्स हो गए या एप्पल हैं, इनका प्रोडक्शन एक जगह नहीं है, पूरे ऑल ओवर कंट्री फैला हुआ है। ठीक है, तो दीज आर योर ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस। ये एक अलग टॉपिक है आपके बुक में, तो हम इसको डीपली वहाँ डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स वो अग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये भी एक टॉपिक है आपका, और ये GATT में था। ठीक है, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे जब हम WTO पढ़ेंगे। ठीक है।
सो आई होप आपको यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाय बाय, टेक केयर.